हेलो गाइस, दिस नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टर्मोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं तिल के कीटों के बारे में, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिसेमम एंड देयर मैनेजमेंट। गाइस, सिसेमम जो है तिल, ये एक ऑलसेट क्रॉप है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑलसेट क्रॉप है। इसको इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका कंज्यूम किया जाता है। और ये तिल है वो कई प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट से इन्फेक्टेड होता है, जिसमें से मेन है फर्स्ट तिल हॉक मोथ, एकरॉन्सिया स्टिंग्स। ये जो इंसेक्ट है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली स्फिंगिडी के मेंबर होते हैं। फैमिली स्फिंगिडी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वो है एनल हॉर्न। फैमिली स्फिंगिडी के जितने ही मेंबर्स होते हैं उनमें एनल हॉर्न पाए जाते हैं। ये जो इंसेक्ट हैं इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान एट्सेट्रा कंट्री में पाए जाते हैं। ये तिल हॉक मोथ जो है स्फिंगिडी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, और स्फिंगिडी फैमिली के सारे, लगभग सारे मेंबर्स पॉलीफेगस ही होते हैं। ये सिसेमम के अलावा पोटैटो, ब्रिंजल, लैबलैब और ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे अटैक करते हैं। ये इंसेक्ट्स जो एडल्ट होते हैं वो लार्ज रेडिश से ब्राउन कलर के या फिर क्रीम कलर के काफ़ी बड़े साइज के मोथ होते हैं, जिनका जो विंग स्पैम के साथ में आकार लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। इनका जो फोर विंग है वो डार्क ब्राउन और ग्रे कलर के पैटर्न से डेकोरेटेड होता है। इनके विंग में ब्लैक कलर के वेबी मार्किंग्स होते हैं। गाइस, इनके जो कैटरपिलर होते हैं, इनके लार्वे वो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 1 सेंटीमीटर चौड़े। ये काफ़ी बड़े साइज के लार्वे होते हैं, काफ़ी बड़े साइज के, लार्ज साइज के इंसेक्ट्स होते हैं। इनको इनके एनल हॉर्न से आसानी से पहचाना जा सकता है। दिस इज़ द पिक ऑफ तिल हॉक मॉथ या स्पिंक्स मॉथ। इसमें देख सकते हैं लार्वी, एग, एडल्ट और प्यूपा को। इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो जो एडल्ट मॉथ हैं ग्लोबुलर ग्रीनिश वाइट कलर के सिंगल सिंगल अंडे देते हैं। इनका एक पीरियड लगभग 2 से 5 दिन का होता है। 2 से 5 दिन में एग का हैचिंग हो जाता है और पेल येलो कलर के स्मॉल लार्वे बाहर निकलते हैं। स्टार्टिंग में जो लार्वे होते हैं ये पत्तियों पर फीड करते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टार जो लार्वे होते हैं इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, परंतु बाद में ये लार्वे जब बड़े होते हैं तो वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उनमें एनल हॉर्न पाया जाता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अर्दन प्यूपा बनाते हैं, जो कि 2 से 3 सप्ताह तक प्यूपेशन में रहते हैं। समर में लगभग 7 महीना तक, सॉरी, समर में लगभग 3 सप्ताह तक और विंटर में 7 मंथ तक ये प्यूपेशन में रहते हैं। इनका जो एडल्ट होता है, एडल्ट पीरियड लगभग 15 दिन का होता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका लाइफ साइकिल लगभग 60 डेज में कंप्लीट हो जाता है। 60 to 90 डेज में इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो इंसेक्ट हैं एक साल में केवल एक ही जनरेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हैवी विंटर में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं फर्स्ट और सेकंड इंस्टार लार्वी लीफ पे फिट करते हैं और डैमेज करते हैं। बाद में ये पूरे के पूरे प्लांट्स को ही, वेजिटेशन को डैमेज करते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको डीप समर प्लोइंग या फिर डीप विंटर प्लोइंग करनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होते हैं, जिससे हम आसानी से एक्सपोज करके प्रीडेटर्स के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। इनके एडल्ट को लाइट ट्रैप के थ्रू
हम ट्रैप भी कर सकते हैं, लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप के थ्रू। प्लस इनके जो लार्वे होते हैं उनको हैंड पिकिंग के द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, इनके लिए, हॉक मॉथ के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है इसके लिए, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं वो है फैसोलोन। नेक्स्ट इंसेक्ट इज सिसेमम गाल फ्लाई। सिसेमम गाल फ्लाई इज माइनोट डिप्टेरॉइड इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू फैमिली सेसिडोमाइडी। सेसिडोमाइडी फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है कि वो किसी भी प्लांट में गाल का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑल इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं, जिसका जो मेन होस्ट है वो सिसेमम ही है। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये ओलिगोफेगस होते हैं, जो कि सिसेमम या फिर उसी के फैमिली के क्रॉप को ही अटैक कर पाते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं देखने में मच्छर के समान, मॉस्किटो के समान दिखाई देते हैं। गाइस, सिसेमम गाल फ्लाई का डायग्राम देखा जा सकता है। ये जो इंसेक्ट है इनका लाइफ साइकिल लगभग 15 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। एडल्ट फीमेल जो है वो सिंगल सिंगल अंडे देती है फ्लावर बर्ड्स पे या फिर लिप बर्ड्स पे। इनका एक पीरियड 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन में मैगट्स बाहर निकलते हैं और ये प्लांट्स के अंदर छेद करके, बोर करके अंदर घुस जाते हैं और लगभग 14 से 20 दिन तक उसे पे फीड करते हैं। इनका प्यूपेशन प्लांट्स के अंदर ही होता है। प्लांट्स के अंदर जहाँ ये गाल बनाते हैं वहीं पे इनका प्यूपेशन होता है। इनका प्यूपल पीरियड लगभग 10 से 12 दिन का होता है। इनका टोटल लाइफ साइकिल लगभग 15 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। गाइस, इनके डैमेज की अगर बात करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ फीडिंग बाय मैगट द बर्ड्स डेवलप्ड इन टू गाल एंड प्रोड्यूस नो फ्रूट एंड सीड्स। क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स पे अपने देते हैं, बर्ड्स पे, तो वहाँ पे जब लार्वी हैं मैगट्स फीड करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ गाल बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको मेनली कल्चर प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस वेराइटी और टॉलरेंस वेराइटी। गाइस, इसके अलावा हम इंटरक्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, मूंग बीन, पर्ल मिलेट या फिर ग्राउंड नट के साथ में। लार्वल पैरासिटॉइड का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकॉन हैप्टर का। इसके अलावा गाइस हमको जो गाल होता है जिसके अंदर एग्स होते हैं, लार्वे होते हैं, उसका क्लिपिंग करके उन्हें जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। 2.5 kg ऑफ कार्बोरिल 50 WP इन 625 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर इज एफिशियंट। नेक्स्ट इंसेक्ट इज तिल लीफ वेबर। तिल लीफ वेबर जो है ये इंसेक्ट पॉलीफेगस इंसेक्ट्स होते हैं जो लगभग हर प्रकार के क्रॉप पे अटैक करते हैं। ये पायरेलिडी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। द सिसेमम लीफ वेबर इज अ सीरियस एंड रेगुलर पेस्ट ऑफ सिसेमम एंड इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया। ये सिसेमम लीफ वेबर और ग्राउंड नट लीफ वेबर दोनों ही इंसेक्ट लगभग सेम ही होते हैं। एडल्ट फीमेल जो है वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 100 से 120 अंडे देती है। अ फीमेल मोथ लेज ऑन एन एवरेज ऑफ 86 एंड ईच फीमेल मोथ लेज 100 to 120 eggs एंड लेड ऑन टेंडर लीफ और फ्लावर्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो लार्वल पीरियड है लगभग 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 4 से 5 दिन के पश्चात एक से यंग लार्वी बाहर निकलते हैं जो कि लगभग 15 दिनों तक लीफ पे फीडिंग करते हैं, और 15 दिनों के पश्चात ये प्लांट के लीफ के निचली सतह पे या फिर फॉलन लीफ पे, जो गिरे हुए पत्तियां होती हैं उस पे
सिल्कन कोकून बनाते हैं। सिल्कन कोकून के अंदर ही प्यूपेशन में ये चले जाते हैं। इनका जो प्यूपल पीरियड है लगभग 7 दिन का होता है और इनका टोटल लाइफ साइकिल लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये पत्तियों को अर्ली स्टेज में पत्तियों को माइंस करके डैमेज करते हैं। बाद में ये पूरी पत्तियों को ही खा जाते हैं। गाइस, इनके सिम्टम्स के रूप में हम पत्तियों पे आड़ी तिरछी लाइनें देख सकते हैं, प्लस सीवियर कंडीशन में विल्टिंग सिम्टम्स भी हमको दिखाई देता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको अर्ली सोइंग करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। इंटरक्रॉपिंग हम मूंग बीन, पर्ल मिलेट या ग्राउंड नट के साथ कर सकते हैं, और क्विनोल फॉस या फिर फैसलोन, मैलाथियन एट्सेट्रा का हम स्प्रेइंग कर सकते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।